हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज का जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं जेबी का अकाउंटिंग यूनिट नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुइटीज का, ये पार्ट 1 है। ऐसे कई पार्ट में वीडियोस हैं, ठीक है। और जिस किसी को भी पूरा जेबी का कोर्स करना हो, नंबर दिया हुआ नंबर पे फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हम लोग को समझना होता है, क्या पढ़ना है हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुइटीज। इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के टाइप्स क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, एक एसआई एक सीआई। एसआई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। यही होता है ना जी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर हम सबसे शुरुआत करें एसआई से, ठीक है, यानी हम लोग इसको बोले सिंपल इंटरेस्ट, इसको पहला, इसको दूसरा पॉइंट बना लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको कैसे समझा जाए, हर साल आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल उतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट बढ़ के नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, इंटरेस्ट बढ़ के नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात है एज इट इज इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल समझिए, आप ये क्वेश्चन ले लीजिए, क्या क्वेश्चन है कि रुपीज 1000 विद सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर 5 years। आपने पैसा लगाया, कितना लगाया, 1000 रुपए का पैसा लगाया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 10% का हिसाब से 5 साल के लिए। दिस इज अच्छा प्रिंसिपल, ये पता है फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इसमें P हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है यहां पे 100 रुपए, नहीं 1000 रुपए है, इसको 10,000 कर देता हूं, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है। R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है यहां पे, 10% है। टी फॉर टाइम, फाइव ईयर्स, सही बोल रहा हूं, सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, 10/100 कर दो। परसेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, परसेंट जब भी रहेगा तो 1/100 हमेशा लिखना है आपको, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, परसेंट में जो कन्वर्ट करेंगे 10/100 हो जाएगा। टाइम कितना था, 5 साल, ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल सा चीज था। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आपको जो पैसा मिला 5 साल पे मिलेगा वो मिलेगा 5000 रुपए, ठीक है। पर अगर मैं इसको भी यहां पे देखते चलिए, सवाल बहुत बढ़िया से देखिएगा, अब मैं इसको एक कर देता हूं, 1 साल, ठीक है, 1 साल में क्या मिलेगा, तो आपको यहां पे इसको आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हो जाएगा 1000 रुपए। अगर मैं इसको 2 साल करूं तो क्या हो जाएगा, 2000 रुपए, ठीक है, समझ रही बात। इस तरीके जितना साल बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ते जाएगा, पर इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो अभी आपको समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग इसको मान लेते हैं कि 3 साल के लिए आपका कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। अगर हम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा इतना 1 और इतना 1000, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सेम चीज अगर हम बात करें सेकंड ईयर के लिए, ठीक है, अब सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहां बोल सकते हैं कि एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सिंपल यहां भी सेम हो जाएगा, 10,000 प्रिंसिपल हो गया, 10/100 हो गया। अब चूंकि सेकंड ईयर के लिए ले रहे हैं तो 1 साल का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दूसरे साल के लिए भी यहां पे टाइम जो हो जाएगा वो 1 ही होगा और आपको यहां पे 1000 आएगा, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए अगर आप करिएगा तो सेम आएगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा और 1000 आएगा, ठीक है। इन तीनों को साल को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट
प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ईयर को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हजार जोर हजार जोर हजार विच इज इक्वल टू 3000। यानी हर साल क्या मिल रहा है आपको, एवरी ईयर हजार ही रुपए मिल रहे हैं, हर साल आपको हजार रुपए मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट आपको पे नहीं हो रहा। यही चीज मैं बताने के लिए इतना लंबा लिखा था मैंने, ठीक है। यहां ये मत समझे कि इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा चीज क्या है कि इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड। लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड, तो इंटरेस्ट कभी भी आपका री इन्वेस्ट नहीं होता, ठीक है। यानी हैंस यहां पर लिख सकते, ठीक है, इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड, हैंस एक चीज और एड कर लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट नॉट इंक्रीजेस एवरी ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट नॉट इंक्रीजेस एवरी ईयर, इट इज सेम एवरी ईयर बट इट इज सेम, ठीक है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट यहां पे क्या देखा, हर साल क्या था, हर साल 10,000 रुपया, चेंज थोड़ी हुआ, ठीक है, इसलिए ये चीज आए। तो यहां पे हमेशा एक चीज इसको आप लिख लीजिएगा, नॉट इंक्रीज एवरी ईयर इट इज सेम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा देखिए। हमको यह समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। सेम क्वेश्चन रखेंगे कि आपके पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, आप यहां पे मान लेते हैं टाइम जो है T4 टाइम 3 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% है। तो जो फर्स्ट ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लोग CI लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म पे फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, यहाँ पे 10/100 इतना इंटू हर साल आपको पूछा तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 1,000 रुपये आपको मिला इंटरेस्ट, कितना मिला 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर होगा तो वहां पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो होगा चेंज हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते न्यू प्रिंसिपल, न्यू ऐसा अच्छा शब्द है, न्यू प्रिंसिपल लिखे, तो नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इस केस में, तो जो पुराना प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट करना होगा पी प्लस आई, तो प्रिंसिपल क्या था यहां पे 10,000 रुपए था आपका और यहां पे 1,000 रुपए और एड कर दीजिए, कितना हो गया 11,000। अब नया प्रिंसिपल हो गया 11,000 रुपए। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहा सेकेंड ईयर के केस में तो पी इंटू आर इंटू टी तो खैर होगा, इतना इंटू बाय 100 कर दीजिए, तो अभी 11,000 है डिवाइड बाय 10/100 इंटू 1 1,100। अगर आप थर्ड ईयर में बात कर रहे हैं तो अब यहां पे नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहां हो जाएगा 11,000 प्लस 1,100 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा 12,100 रुपए, ठीक है, 12,100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अब नया प्रिंसिपल हो गया तीसरे साल में। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है थर्ड ईयर में, अब क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो नया प्रिंसिपल हो गया 12,100 इतना इंटू 10/100, ठीक है, ईयर 1 हो जाएगा, सॉल्व करिए 1210,
ये हो गया इंटरेस्ट। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, तो पहला साल आया 1000 रुपए, दूसरा साल आया 1100 रुपए और तीसरे साल आया 1210। तो क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है मेरे भाई, हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। क्यों? इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल में हर बार इंटरेस्ट को ऐड किया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो टोटल क्या आ जाएगा इस केस में, नया जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है आपको वो हो जाएगा 3310 रुपए। तो ये आपका चेंज हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, एक बात तो ये समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है यानी हाइयर होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाइयर देन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा ही होगा। ये एक बात समझ में आया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। एक बात और है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को हम लोग री इन्वेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, क्या नाम है, इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड। ये भी समझ में आया आपको कि इंटरेस्ट को यहां पे री इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक बात और लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल इज एडेड विथ इंटरेस्ट एवरी ईयर, ईयर में फ्रीक्वेंसी भी एप्लीकेट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ईयर तो मैं ईयर में लिया ना, हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है 6 महीने पे, हो सकता है महीने में हो, तो इसलिए ये हो सकता है साल में हो, तो प्रिंसिपल को ऐड किया जाता है इंटरेस्ट में। अगर यहां पर हम साल में तो हर ईयर के लिए हिसाब से था, तो यहां पे सब चीज ध्यान दे रहा था कि इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है, प्रिंसिपल में ऐड किया जाता है इंटरेस्ट को हर साल, और नेचुरल सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगी सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग एक बात वही पढ़ ली, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा अर्न करता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए एक चीज और, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। देखिए बहुत जगह सुने होंगे कि कोई एनुअली इन्वेस्ट करता है, फिर कोई सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, कहीं क्वार्टरली है, कहीं मंथली है, कहीं वीकली है, कहीं डेली है, किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे एक एनुअली लिख लीजिए, ठीक है, एनुअली में सबसे ज्यादा है, सॉरी एनुअली में सबसे कम है, लिस्ट हो गया, इसके बाद हो जाएगा सेमी एनुअली, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्वार्टरली, उसके बाद हो जाएगा मंथली, उसके बाद हो जाएगा वीकली, उसके बाद हो जाएगा डेली। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि एनुअली में इंटरेस्ट जो है सबसे कम मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लिस्ट, और डेली बेसिस अगर आप देखें तो यहां सबसे ज्यादा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। अब आइए एक रूल ऑफ 72, क्या समझते हैं आप इसे, रूल ऑफ 72 आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स बताता है कि कितने समय पैसा डबल होता है, क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स बताता है कितने समय पैसा डबल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हेल्प्स इन फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, बिफोर योर मनी डबल्स
विथ ईयरली कंपाउंडिंग, अगर ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से। आ रहा बात समझ में ना मेरी? तो आपको हेल्प करता है फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स, क्या चीज के लिए? पैसा डबल करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मनी को डबल किया जाएगा अगर आप ईयरली कंपाउंड करते, ये भी सबको ध्यान दीजिए, ईयरली बात हो रही है, ईयरली कंपाउंडिंग ने आपको हेल्प करके देता है। अब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड है, यानी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिर आइए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर, या इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट चेंजेस विथ टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, तो ये सारी बात आप लिखते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जैविक के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ये सबसे बेस्ट कोर्स है। और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे, सिंपल बोलूँगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए, भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करें, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूंगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूंगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर टू करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।